सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई प्रथम के अध्याय अजंता की चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने अजंता की गुफा संख्या 16 एवं इसके प्रसिद्ध चित्रों का अध्ययन किया। इसके पश्चात हमने अजंता की गुफा संख्या 17 का अध्ययन किया। इसके प्रसिद्ध चित्र वेशंतर जातक के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। इसी क्रम में आज हम अगले चित्र हंस जातक का अध्ययन करेंगे। जैसे कि नाम से ही पता लगता है, हंस जातक के अनुसार भगवान बुद्ध अपने पूर्व जन्म में एक सुनहरे हंस के रूप में जन्म लेते हैं, जिसकी ख्याति चारों तरफ थी। यह जो चित्र आप देख सकते हैं, यह हालांकि मूल चित्र नहीं है, यह मूल चित्र की अनुकृति है। चित्र में दो हंस सिंहासन पर बैठे हैं, जिसमें एक हंस है सुनहरा हंस जो राजा को उपदेश दे रहा है। इस दृश्य के अंतर्गत दो दृश्य हैं। इसमें एक में शिकारी सुनहरे हंस को पकड़ते हुए चित्रित किया गया है और दूसरा दृश्य है उसमें कप्तान सुमुखा को पकड़ते हुए साथ ही सुनहरे हंस कल हंस को राजा को शिक्षा देते हुए चित्रित किया गया है। जो सुनहरा हंस है उसका नाम है कल हंस और उसके साथ जो हंस है वो है कप्तान सुमुखा। इसका कथानक कुछ इस प्रकार है कि जैसे कि वह हंस जो कल हंस है वो सुनहरा हंस होता है, तो इसके चर्चे चारों तरफ फैले होते हैं, इसकी ख्याति चारों तरफ फैली होती है, तो राजा को इसके बारे में पता चलता है। इस प्रकार राजा इस सुनहरे हंस के बारे में सुनकर उस हंस को अपने राज दरबार में लाने का विचार करता है और इसके लिए वह योजनाएं बनाता है। इसके तहत उसने एक योजना बनाई जिसमें उसने एक तालाब का निर्माण करवाया और इसके पश्चात इस तालाब में बहुत से हंस पानी पीने के लिए आने लग गए और उन हंसों में कल हंस भी आने लग गया। जब राजा को पता लगा कि कल हंस उस तालाब में आने लग गया है, तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो कल हंस को पकड़ करके राज दरबार में लेके आए। इस प्रकार से राजा के सैनिक उसे पकड़ने के लिए जाल फेंकते हैं और जाल में वो सुनहरा कल हंस फंस जाता है। ऐसी स्थिति को देख करके कप्तान सुमुखा नाम का जो हंस है वो उन शिकारियों से कहता है कि तुम इस कल हंस को छोड़ दो और बदले में मुझे पकड़ लो। जब इस तरह की बात कप्तान सुमुखा शिकारियों से कह रहा होता है तो यह बात राजा सुन लेता है और राजा को लगता है कि यह कोई मामूली हंस नहीं है जिसे छुड़ाया जा रहा है, यह कोई श्रेष्ठ आत्मा है, श्रेष्ठ हंस है। इस प्रकार से राजा उस सुनहरे कल हंस को अपने महल में ले जाता है और अब वह उसे आसन पर बैठा करके उससे शिक्षा लेता है। इस प्रकार से सुनहरा हंस राजा को उपदेश देते हुए चित्रित है। अगला दृश्य है महाकपि जातक। यह भी जातक कथा है। नाम के अनुसार भगवान बुद्ध अपने पूर्व जन्म में एक विशाल वानर के रूप में जन्म लेते हैं। यह चित्र अजंता की गुफा संख्या 17 के द्वार के दाई तरफ पिछले गलियारे की बाई दीवार पर चित्रित है।
इसका नाम है महाकपि जातक। यह बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। कथानक के अनुसार पूर्व जन्म में विशाल वानर के रूप में भगवान बुद्ध का जन्म होता है और उसके साथ उसकी प्रजा जो है अन्य वानर भी उसके साथ एक जंगल में रहते हैं। जंगल में बहुत से आम के पेड़ होते हैं और जो राजा है, जो विशाल वानर है, जो महाकपि है, वह अपनी प्रजा को बताता है कि आम के पेड़ों से आम खा करके नदी में ना फेंके। अर्थात जो आम के पेड़ होते हैं वो नदी के किनारे होते हैं, मतलब जंगल के बीच में से एक नदी गुजरती है और आम के पेड़ नदी के किनारे पर स्थित होते हैं। वो इसलिए मना करता है कि यदि अन्य बंदर आम खाएंगे और आम खा करके अगर उसको नदी में फेंकेंगे तो वह आम नदी के सहारे आगे राजा के दरबार की तरफ पहुंच जाएगा। लेकिन होता क्या है कि महाकपि का चचेरा भाई देवदत्त उसकी बात को नहीं मानता है। देवदत्त महाकपि से ईर्ष्या भी करता था। उसने आम नदी में फेंक दिए और वे आम मछुआरे की सहायता से राजमहल में चले जाते हैं। राजा को आम पसंद आते हैं और वह सैनिकों की सहायता से नदी के किनारे किनारे उन आम के पेड़ों तक पहुंच जाता है। लेकिन जब महाकपि देखता है कि जो सिपाही है, जो सैनिक है, वो बंदरों को मारने के लिए आ रहे हैं, तो वह अपनी प्रजा को बचाने के लिए, जो महाकपि है वो अन्य वानरों को बचाने के लिए नदी के दोनों तरफ फैले पेड़ों की सहायता से एक पुल का निर्माण करता है। नदी के एक तरफ के पेड़ को वह अपने पैरों और पूंछ की सहायता से पकड़ लेता है और नदी के दूसरे किनारे के जो पेड़ है उनको वह अपने हाथों की सहायता से पकड़ के एक पुल बना लेता है। और इस प्रकार से, क्योंकि यह वानर एक विशाल वानर है, तो स्वाभाविक ही एक पुल का निर्माण हो जाता है और उसके ऊपर से सारे वानर नदी के दूसरे किनारे चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि महाकपि का चचेरा भाई जो देवदत्त है उसने महाकपि के ऊपर जोर से छलांग लगाई जिससे बोधिसत्व नीचे गिर जाते हैं, नदी में गिर जाते हैं, उनका हृदय फट जाता है। जब यह दृश्य राजा देख रहा होता है तो वह देखता है कि यह जो विशाल वानर है किस प्रकार से अपनी प्रजा की इस मुसीबत की घड़ी में रक्षा कर रहा है। इस प्रकार से राजा महाकपि से एक शिक्षा भी लेता है और ऐसे दृश्य को देख करके उसने बोधिसत्व को वह बचा लेता है और उसको उठा करके अपने महल में ले जाता है और उसका उपचार करवाता है। जब उसको होश आता है, महाकपि को होश आता है, तो महाकपि राजा को उपदेश भी देता है। इस प्रकार से इस चित्र में जहाँ देवदत्त शत्रुता राग द्वेष का मूर्त आकार स्वरूप, वहीं चर दास वृत्ति एवं उदंडता के रूप में, तो वहीं बोधिसत्व सहनशील आत्मत्यागी एवं बहुजन हिताय के रूप में चित्रित हुए हैं। इस प्रकार से यह कथानक पूर्ण होता है। धन्यवाद।